हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो आप लोग देख रहे थे हमारी जो सीरीज चल रही थी, वो एनटीपीसी 2016 की सीरीज चल रही थी। तो 12 अप्रैल 2016 को शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हमने लिया था, उसमें पार्ट फर्स्ट हमने करवा दिया था, ये हमारा पार्ट सेकेंड है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि साइन एक्स बराबर 4/5 दे रखा है। तो सेक एक्स स्क्वायर -1 का मान हमसे पूछा है। कल हमने आपको एक क्वेश्चन जो लास्ट में बताया था पार्ट वन में, क्या था कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, और आपने पढ़ा होगा बचपन में, मतलब कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। इससे क्या देखते हैं हम कि लंब ये साइन वाला होता है, ये कास वाला होता है, ये टेन वाला होता है, और साइन के अपोजिट होता है कोसेक, और कोस के अपोजिट होता है सेक, और टेन के अपोजिट होता है कॉट। तो आप देखिए, साइन थीटा बराबर हमने आपको क्या बताया, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है इसमें 4 है, और कर्ण कितना है वो 5 है हमारा। और हमने कल एक फार्मूला आपको बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आप बताइए कर्ण का वर्ग कितना है हमारा 25, 5 का करेंगे तो आधार ही हमसे पूछा, आधार हम x मान ले रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब हमारा 4 यानी 16। अब आप बताइए 25 अगर 16 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 9, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा जो है वो आधार निकला, आधार कितना निकला 3। तो हम इसको अब रफ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा हमने आधार यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमें चाहे कोसेक पूछे, चाहे सेक पूछे, चाहे टेन पूछे, चाहे कुछ भी पूछे 6 मानों में से, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो आप हमें बताइए ये सेक एक्स स्क्वायर है यानी किसका अपोजिट होगा, ये कॉस का, तो इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पे हमारा कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 5, आधार कितना है वो हमारा 3 है, और सेक एक्स स्क्वायर तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा ये 25/9-1। अब आप हमें ये बताइए यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो 9 एकम 9 यानी 25 से 9 जाएगा हमारा 16 बचेगा, और ये 9 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, तो ये हमारा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। बस आपको याद रखना लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। साइन के अपोजिट कोसेक होता है, और कॉस के अपोजिट सेक होता है, और टेन के अपोजिट कोट होता है। और क्या आप दूसरा फार्मूला बताया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपको ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकेंगे। तो हम इसको रैप करते हैं, अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत के विकट की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दे रखी। अब देखिए आयत, आयत में क्या होता कि वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों आयत कहलाती है, और ये वाले जो कोण होते हैं आयत के वो 90 डिग्री होते हैं। अब देखिए लंबाई कितनी दे रखी, 5 मीटर, और चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। अब पूछा क्या हमसे, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी 3 सेंटीमीटर हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है विकर्ण, ये होता है विकर्ण इसका। अब आप बताइए हमें, हमने क्या भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या होता है, आपके पास क्या दे रखा है, हमें लंबाई दे रखी है 5, और ये क्या है हमें चौड़ाई वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कर्ण निकालना है, ये जब 90 डिग्री ये एंगल होता है तो क्या हम लोग लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आप बताइए जब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है,
अब बताइए आप आधार कितना है आपका, आधार है आपका 5 यानी 25 हो जाएगा, और ये लंब कितना, लंब है आपका 3 यानी 9 हो जाएगा। तो आप 25 और 9 को जोड़ने कितना हो जाएगा 34, और ये है किसके बराबर, ये है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर। तो कर्ण कितना आ जाएगा उस पर वर्गमूल, 34 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 34। तो आप लोगों ने देखा ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 34, और यही हमसे पूछा है। अब देखिए इसका आंसर जो है वो कितना आया हमारा 34 अंडर रूट में। अब देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा ए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा ए के साथ चला जाएगा। अब देखिए आयत में कुछ और फार्मूले होते हैं वो भी आप जान लीजिए। आयत क्या होता है, आयत, आयत का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत का आपसे परिमाप पूछे, परिमाप क्या होगा 2 × लंबाई धन चौड़ाई। दो फार्मूले और भी आयत के होते हैं, और हमने आपको ये विकर्ण वाला फार्मूला तो बता ही दिया, ठीक है। तब हम इसको अब रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक व्यापारी के रूम में रक्षांत, रक्षांत और वर्मा दो लोग हैं, रक्षांत और वर्मा से दुगना सक्षम है, दो लोग हैं रक्षांत वर्मा से दुगना सक्षम है, मतलब कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसकी दोगुनी है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब अगली स्टेप में क्या कहता है कि ये मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में करते हैं, 19 दिनों में ये दोनों लोग करते हैं, तो वर्मा उसी कार्य को अकेले कितना, कितने दिनों में करेगा। तो आप हमें ये बताइए कि रक्षांत वर्मा इनकी क्षमता कितनी है, दोनों लोगों की क्षमता जो है दुगुनी है, तो रक्षांत और वर्मा ये दो लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, कैपेसिटी जो है वो दोगुनी है रक्षांत और वर्मा की, ठीक। अब इनके आप ये बताइए कार्य करने में जो समय लिया गया होता है वो क्षमता का अपोजिट होता है, तो आप बताइए आप कार्य करने में लिया गया समय बराबर रक्षांत और वर्मा क्या होगा 1 और 2। अगर ये 1 दिन लेंगे रक्षांत तो वर्मा जी लेंगे 2 दिन। अब हमें बताइए इन लोगों ने काम किया है वो 19 दिनों में किया है, तो पूछ क्या रहा है कि पूछता है कि उसी कार्य को वर्मा कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप हमें बताइए यहाँ से हम मान लें 1 दिनों में किया रक्षांत ने और वर्मा जी ने किया 2x में। आप बताइए हम लोग कैसे निकालते हैं एक्स प्लस 1/2x, और काम कितने दिनों में किया हमारा 19 दिनों में किया। अब इसको हम हल करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 + 1/2 = 19। हमें बताइए तो 1/x, अब इसको करेंगे 3/2 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 19। अब इसको इधर लेते हैं, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा, ये बटे में होगा हमारा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर निकलेगा 57/2। अब देखिए ये जो है रक्षांत का कार्य आया, ठीक है। अब निकालना हमें वर्मा का, रक्षांत को हमने 1 माना था, वर्मा का हमने 2x माना था, तो दोनों तरफ अगर 2 से गुणा कर दें हम इसमें तो क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 57। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया, आपने देखा कितनी आसानी से निकाला। अगर हम वर्क एंड टाइम जब पढ़ाएंगे तो आपको एक एक ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चन पे कैसे हम ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को बहुत जल्द हल कर सकते हैं। तो हम इसको अब रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर की गति से चली, घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल से वो मिल जाए। अब बताइए मुझे 15 मिनट का अंतराल था, तो 15 मिनट में तय की गई दूरी पर हमने आपको एक फार्मूला बताया चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब 15 मिनट में तय की गई दूरी आप हमें बताइए स्पीड कितनी है उसकी 24 किलोमीटर, तो 15 मिनट है, यहाँ पे घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15/60। अब बताइए हमने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। जैसे यहाँ से देख लीजिए दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुणे समय, तो यही हमने यहाँ से लगा दिया, तो यहाँ से ये हमारा कटेगा 4 और ये, तो ये आ जाएगा 6
किलोमीटर दूरी जो है वो हमारी 6 किलोमीटर आ जाएगी। अब बताइए कि अगली स्टेप क्या कहता है कि घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला और कितनी अधिक साल से चले ताकि 10 मिनट के अंतराल पर वह साइकिल से मिल जाए। अब देखिए अगर भाषा ना समझ में आ रही तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा है कि अतः महिला की चाल देखिए। अब देखना पड़ेगा अतः महिला की चाल। अब आप बताइए दूरी हमारे पास कितनी है, 6 किलोमीटर है और हमने पढ़ा था फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है, समय ले रही है वो 10 मिनट का अंतराल, ठीक, तो 10/60 क्योंकि हमें इसे घंटा में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम हल करते हैं तो 6 × 60/10 तो ये चला जाएगा 0 से 0 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी चाल आई। अब हमें बताइए लास्ट में पूछता क्या है कि एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा। तो पहली वाली जो साइकिल है वो कितनी चाल से चल रही है, 24 किलोमीटर की, और लास्ट में क्या है ये 36 है हमारा, तो अब 36 से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी चाल आई। क्योंकि लास्ट में 36 आई पहले 24 चल रही है ना, तो यही हमारी अधिक चाल आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 12। तो आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन सी से ये क्वेश्चन चला जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हमने पहले करवाए उनमें भी आ चुका है, एक अच्छा क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा आपको। ये कहता है कि प्रसरण बराबर क्या होता, प्रसरण बराबर होता मानक विचलन का वर्ग, ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहता है कि एक डाटा सेट का प्रसरण जो है वो कितना है, 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रसरण हमारा दे रखा है और मानक विचलन हमसे पूछा है, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं हम। प्रसरण कितना दे रखा है हमको, 196 दे रखा है और मानक विचलन का वर्ग। अब आप दोनों तरफ अगर रूट लेना चाहेंगे तो क्या होगा, 196 बराबर मानक विचलन। अब आप बताइए 196 14 का वर्ग कितना होता है, 196, तो कितना हो जाएगा मानक विचलन बराबर हमारा हो जाएगा 14। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, उसमें ही 14 आ रहा। अब हम इसको रफ करते हैं, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा क्या है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन कहता है हल कीजिए में क्या है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन की x-3 = 3x + 7, इसमें क्या हमें x का मान निकालना है। देखिए x वाले पद एक तरफ लाएंगे और वैसे पद एक तरफ ले जाएंगे। आप देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं x को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x - x और ये हो जाएगा हमारा -3 - 7। अब आप बताइए 3 से अगर x जाएगा तो हमारा बचेगा 2x और ये 3 - 7 माइनस का 10। अब 2 × 2 = 10 यानी x बराबर हमारा आएगा -5। देखा आपने, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। -5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो -5 हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको रफ करते हैं, कितना सरल क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन सिर्फ हमारा गुणा पर आधारित है कि कह रहा है कि सेक्स नाइन और सेक्स गुणे 999 यानी 9999 की गणना करिए, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा हो। अब अगर हम गणना करने बैठे तो इसमें कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, तब भी हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 6 × 69 = 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 10,000 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखिए अब हमारा ये कितना सरल हो जाएगा, इसमें अगर गुणा करेंगे 10,000 तो कितना हो जाएगा,
छः, एक दो तीन चार, क्योंकि चार जीरो हैं, और 69,696 का अगर एक में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 69,696 ये आ जाएगा। अब आपको घटाना है तो आप घटा तो सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, दो तीन चार। अब देखिए 69,696। अब देखिए आप, चार आएगा हमारा, यहाँ से जीरो आएगा। अब देखिए जीरो चार हमारे तो सम में है, तो हमें और अगली स्टेप तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे नौ होगा हमारा, तीन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नौ हो जाएगा। अब देखिए आप लास्ट में 90,304 कौन से ऑप्शनों में आ रहा है, 90,304 हमारे बहुत सारे ऑप्शनों में आ रहा है, तो हम इसको आगे तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 8, यहाँ पे 6, 9, 6, 69,068,90,304। ये देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है कितना आ रहा है हमारा, 69,068,90,304। बस आपको करना क्या, इसको बस तोड़ लेना है, 9,999 है तो 10,000 माइनस एक कर लेंगे हम लोग, कितनी आसानी से हो गया, बस कुछ भी नहीं करना, यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। तो देखा आपने, बस आपको इसको तोड़ना, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको तोड़ना। अगर यहाँ से 999 होता तो आप 1,000 माइनस एक कर लेते, अगर 99 होता तो 100 माइनस एक कर लेते, बस आपको यही करना है इसमें। तो हम अब इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कहता है कि 8 है, इसकी पावर 2/3 को हल करना है हमें और यही निकालना। अब आप हमें ये बताइए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और पूरे की पावर को 2 कर दें। अब आप हमें बताइए, जब 1/3 पावर अगर किसी भी चढ़ी होती तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 8 पे ही मान लीजिए 1/3 चढ़ी, तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्यों रूट में लेते हैं इसको। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, हम क्यों रूट में लेंगे इसको, बटे का स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है 2 का क्यों कितना होता है 8, तो 8 का क्यों रूट हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस पर चढ़ा है हमारा वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होगा, 2 × 2 = 4, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा, तो ऑप्शन हमारा सी है। बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप में हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताइए क्या करता है, खरीदते टाइम भी 11% और बेचते टाइम भी 11%, मतलब दो बार 11-11 का वो लाभ ले रहा है। जब दो बार 11-11 का लाभ ले रहा है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं पढ़ा तो जैसे हमारी सीरीज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हम आपको बताएंगे क्या होता है कि मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 टोटल के बटे परसेंट करते हैं, हम टोटल का परसेंट निकालते हैं। अब आप हमें ये बताइए ये क्या है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या फिर अगला लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, और बस इसका गुणा करके बटे 100 करना है हमें, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस प्लस जाएगा, और लॉस होगा तब हमारा माइनस हो जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना। आप बताइए यहाँ पे पहले कितने प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट लिया उसने, 11% प्रॉफिट लिया, फिर कितना लिया, फिर 11 लिया, क्योंकि दो बार लिया ना, एक बार खरीदते टाइम एक बार बेचते टाइम, तो 11-11 दो बार हुआ हमारा। और फिर क्या करते हैं, 11 × 11/100 टोटल का परसेंट करते हैं। अगर यहाँ पे अगर 11 लॉस होता उसको, तो यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर भी हमारा माइनस ही होता, जो क्वेश्चन तो आपको हमारे बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22 + 121/100 हो जाएगा हमारा और टोटल। ठीक है, अब देखिए 121 से अगर 100 से भाग देते हैं हम, तो हमारा आएगा 1.21, तो 22 + 1.21 का परसेंट। अब देखिए आप 22 × 1 = 23.21% हमारा टोटल लाभ आ गया। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा, तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बताइए, अच्छा क्वेश्चन है कि संख्याएं मतलब 2, 4, 5, 6, 8, 18 इन आंकड़ों का प्रसरण जो है वो हमारा कितना है, 23.33 है
है। तो कह रहा है कि 4, 8, 10, 12, 16 और 16 और ये यहाँ पे गलत दे रखा है, 18, 34 की जगह होगा 36, ठीक है, 34 की जगह 36 होगा हमारा, मिसिंग है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो आंकड़ों का प्रसरण क्या होगा, क्वेश्चन तो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या पहले क्या दे रखा है, पहले 2, 4, 5, 6 और 8 और 18 दे रखा है, लास्ट में क्या दे रखा है कि 4, 8, 10, 12 और 16, और ये हमने बताया था मिसिंग है यहाँ पे, 34 की जगह 36 होगा हमारा 36, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसका कितना है हमारा, इसका है 23.33 दे रखा। अब आप ये देखिए, ये जो संख्याएं हैं वो दुगनी हो रही हैं, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 18 और 36। तो आप लोगों को पता होगा जब प्रसरण कितना है, पहली का 23 है, जब संख्याएं दुगनी हो रही तो इनका भी प्रसरण जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 23.33 से 2 से गुणा कर देंगे, 3 × 2 = 6, 6, 6 और 4, तो 46.66 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा, तो ऑप्शन में हमारा आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है ये कितने गुना होगा, अगर यहाँ पे क्या होता 3 गुना होता तो 3 से गुणा करते, अगर आधा होता तो आधे से गुणा करते, अगर 4 गुना होता मतलब जितना भी गुना होता हम उससे इसमें गुणा करते बस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो सीआई से लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इब्राहिम ने 7,500 रुपये 5% की चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज जो यानी सीआई क्या होगा, और जो वार्षिक संयोजित होगा। अब देखिए आप क्या है, मूलधन कितना है वो हमारा 7,500 है, और जो रेट है हमारी वो कितनी है 5% है, और जो टाइम है वो हमारा क्या है 2 वर्ष। अब आप देखिए, आपको पता होगा कि फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर पी इंटू 1+R/100, ये टाइम होता है, ये हमारी यहाँ रेट होती है, ये हमारा मूलधन होता है, ये ए जो होता है वो हमारा मिश्रधन होता है, हमने कल भी आपको बताया था मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है हमारा ब्याज प्लस मूलधन। इस फार्मूले से अगर ये वाले मान हमने रखे तो हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपको शॉर्ट ट्रैक बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अगर 2 वर्ष का है तो हम लोग ऐसे सिर्फ 3 कॉलम बनाते हैं, क्या करते हैं 5 क्या होगा 7500 का 5% निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं 7500 का 5% निकालते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5×25 हासिल 2, 5×7 = 2, 37 यानी 375 रुपये पहले वर्ष का आ गया। अब पहले वर्ष का आ गया तो दूसरे वर्ष भी हमें क्या मिलेगा 375 ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा इस पे और हमारा ब्याज लग जाएगा, 375 पे हमें 5% ब्याज और लगेगा। अब देखिए आप अगली साल भी 375 ही आएगा, लेकिन क्या होगा अगली साल जो हमारा 375 होगा वो हमारे 7,500 रुपये में जुड़ जाएगा, तो उस पर भी हमें 5% का ब्याज मिलेगा। तो आपको इस वाले कालम में इसका 375 का 5% निकालना है बस, तो 1 2 तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप देखिए 3.75 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5×25 2×5 = 35 हमारा आ गया, और 2×5 तो ये कितना आएगा 17, 5×25 5 + 2×5 = 37 और हासिल आया हमारा 3×5 = 15 × 3 = 18, 18.75 आया। अब आप लोगों ने देखा तो कितनी आसानी से हमने किया इसको, अगर आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आया प्रैक्टिस सेट में, कभी 3 वर्ष या 4 वर्ष का अभी आएगा तो हम आपको इसी विधि से समझाएंगे। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, क्या होगा 5 × 2 = 10, 7 × 7 = 14, 1 = 15, 3 × 2 = 6, 7 और आप इसको जोड़ लेंगे 18.75 तो कितना हो जाएगा 5, 7, 8, 6। अब देखिए कितना आया 768.75 आया। अब हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है। कभी भी आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हल मत करिए, हमेशा आप इस विधि से हल करिए। हमने आप आज आपको बताया 2 वर्ष का, अगले दिन अगर क्वेश्चन आएगा नहीं तो हम जब भी सीआई की सीरीज चलाएंगे
तो हम आपको 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष जितने भी वर्ष का आएगा तो इसी विधि से हम आपको बताएंगे। और भी शॉर्ट ट्रिकें हैं इसको हल करने की, लेकिन ये अभी सबसे अच्छी विधि है। तो हम इसको रब करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत ही सरल है कि 300 जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कहता है कि 368 रुपये को 1:5:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में है, मतलब 368 रुपये दे रखा है आपको, 368 रुपये आपको दे रखा है और रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो जो है वो हमको दे रखा है 1:5:8:9 का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अनुपात को जोड़ेंगे, बस इतना करेंगे आप। कितना हो जाएगा 8:9, कितना 9×9=18, 18×5=23, टोटल हमारा 23 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 बराबर हमारा कितना दे रखा है, 23 बराबर हमारा दे रखा 368 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 23 एकम 23 होगा तो हमारा बचेगा 13। अब आप यहाँ से दे लीजिए भाग, यहाँ से क्या देंगे 23 का देंगे, 23 एकम 23 तो हमारा बचेगा यहाँ पे 13, अब 8 आया। अब 23 को 168 भाग देना है तो कितनी बार जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा 23×5=110, 23 छक्का 100, 3×6=18 और हमारा ये कितना हो जाएगा 1×6=6×12=13, तो यानी 16 बार हमारा चला जाएगा। तो यहाँ से क्या 16 बार जाएगा तो हमारा 1 बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखिए आप, जब 1 बराबर 16 आ गया तो 5 बराबर कितना होगा, 16 का हम 5 से गुणा कर देंगे, 16×5=80 आ जाएगा हमारा। और 8 बराबर हमारा कितना होगा, 8 बराबर हमारा होगा 16×8 16×8=128। और तो 9 बराबर हमारा कितना होगा, 9 बराबर होगा हमारा 16×9 बराबर कितना हो जाएगा 144। आपने ऐसे भी किया, दूसरी तरह ऐसे भी कर सकते, जैसे हमें 1 का निकालना तो 1/2 टोटल कितना 23 है और गुणा कितने करें हम 368 करें तो हमारा 1 का आ जाएगा। यहाँ पर अगर 5 का करना तो 5/23 का 368 करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 का करना तो 8/23। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सरल विधि है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख रहे हैं 16, 80, 128, 144 कौन से ऑप्शन में है हमारा, 16, 80, 128 और 144 जो है वो हमारे सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सी के साथ चला जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम इसको रख करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आप हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन तो और ही सरल क्वेश्चन है, जैसे कि मान दे रखे हैं कि दिया है W बराबर कितना है, W बराबर है हमारा -2 और X बराबर जो है वो हमारा 3 है, Y बराबर हमारा 0 है और Z बराबर हमारा है -1/2। तो ये मान दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या है कि W का स्क्वायर (x²+y²) पूछा। तो आप W का मान बताएंगे -2 का वर्ग करना है हमें यहाँ पर। अब देखिए x का मान कितना, x का मान है जो हमारा है वो कितना है, यहाँ पे z का स्क्वायर, z का मान कितना, z का मान है हमारा 1/2 -2। अब y का मान 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 आएगा, 0 आएगा, तो 4 1/4। अब आप देखिए 4, अगर 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 1/2, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो अब आप लोग देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, तो हमारे इस ऑप्शन सी में है 2, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारा 2 आएगा। अब आप देखिए क्या किया मैंने ये किया, मैंने सिर्फ मान रखे, -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, -1/2 को करेंगे 1/4 आएगा, 0 का 0 आएगा, और जब 1/4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 1/2 आएगा, और 4 से 1/2 का जब गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सरल है, कहता है कि जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा हो, कहता है 1/2 1/2 और 3/4 और 1/2
बटा दो प्लस एक बटा दो प्लस तीन बटे चार प्लस एक बटे चार प्लस दो प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा चार प्लस तीन बटे चार। संख्याएँ हमारी कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बटे कितना करेंगे हम, नौ कर देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली जो भिन्न हमारे इनको हम हल करेंगे। तो इनको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा एलसीएम आएगा हमारा चार आ जाएगा, तो बटे कितना है, बटे हमारे नौ ले रखा है। और ऊपर अगर इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा छब्बीस। अब आप लोग देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा छब्बीस बटे छत्तीस, नौ चौक छत्तीस आ जाएगा हमारा। अब हम लोग इससे दो से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा हमारा तेरह और अठारह। तो आप लोगों ने देखा जो हमारा माद है तेरह बटे अठारह। अब आप देखिए यहाँ पे बस आपको जोड़ना है, हमने सॉर्ट कर दिया है बस, अब आप लोग जोड़ते रहें इसे। तेरह बटे अठारह आया हमारा, जो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो बस आपको फार्मूला याद रखना क्या है, माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं उनसे हमें भाग देना। उन संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे और फिर देखेंगे हमारी संख्याएं कितनी, हम उससे भाग दे देंगे, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। बस आपको भिन्न जोड़ना आना चाहिए बस। तो हम इसको अब रफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो आप लोगों ने देखा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमसे एक मिनट से ज़्यादा हमारा टाइम ले सकता था। अब आप लोग देखिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 2400। जो क्वेश्चन तो आपको हमारे बोर्ड पर दिख ही रहा होगा, तो एलसीएम दे रखा है हमारा कितना दे रखा है 96 और हमसे पूछा है एससीएफ, पूछा है कितना होगा। एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, क्या होता दोनों दो संख्याओं का गुण, जैसे दो संख्याएं दी होंगी दोनों का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो संख्याएं हमारी कितनी दे रखी हैं, संख्याएं को गुणनफल हमारा दे रखा है 2400 दे रखा है, एलसीएम को दे रखा है 96 और हमें क्या दे रखा है, और एससीएफ हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा हमारा एससीएफ यानी इससे हमारा क्या हो जाएगा 2400 बटे 96। अब आप हमें ये बताइए 2400 बटे 96 क्या होगा, 24 एकम 24, 24 चौकू 96, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 बटे 4। अब 25 चौकू 100। तो आप लोगों ने देखा जो हमारा एससीएफ आया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वो आया हमारा 25। अब आप देखिए हमारे ऑप्शन में 25 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा, तो 25 हमारे ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो कितना सरल क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये फार्मूला लासा गुणे लासा और मासा वाले चैप्टर से लिया गया। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो सिर्फ 3 रुपये का आता, तो दोनों का विक्रय मूल्य अनुपात बताइए, अनुपात बताना है हमें। अब देखिए उसने क्या किया, कोई जो वस्तु है देखिए कितने में है, मान लीजिए 100 रुपये उसकी कीमत है, जब उसने 2% जब उसको बढ़ा के बेचा तो कितने बेचेगा 102 में बेचेगा, फिर उसने 18% बढ़ा के बेचा तो कितने बेचेगा, तो 18 में 118 में बेचेगा भाई, 18% बढ़ाया इस पर और इस पर 2% बढ़ाया, तो 102 और 118 हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है कि विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर, दो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अब ये 3 रुपये का अंतर वाली स्टेप बेवजह उसने दे रखी है, हमसे कुछ नहीं पूछा, हमसे पूछा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। जब 102% जब उसने बढ़ाया है तो हो जाएगा 102 और जब 18% बढ़ाया तो हो जाएगा 118, तो हमें इसका ही तो अनुपात निकालना है ना कि तीन। अब उसने क्या अगली स्टेप दी है आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि बोला है कि दोनों का अंतर है वो 3 रुपये आता है, हमें क्या मतलब है 3 से, हमें विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए था और वो हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए 102 और 118 का अनुपात निकालते हैं। अब आप इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 51, 5 × 2 = 10 और 2 × 18 तो 51 और 59 हमारा
रेशियो जो विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। अब यही हमसे पूछा भी था, वो 3 रुपए वाली जो स्टेप दे रखी है वो आपको भ्रमित करने के दे रखी है जिससे आप फंस जाएं क्वेश्चन में। तो आप देखिए 51 और 59 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा हम पार्ट 1 लाए थे, ये पार्ट 2 था, तो पार्ट 2 में हमने इस प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन हल कर लिए। DI के क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। DI के क्वेश्चन की सारे क्वेश्चन हम 1 या फिर 2 या फिर 3 वीडियो में आपको बता देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आगे कौन सी सीरीज चाहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।